माफिया के सीने पर फिर चला बुलडोजर। झांसी प्रयागराज में अब कानून का राज। अब अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त, यूपी में फिर आ गए महाराज। यूपी में बाबा की वापसी के साथ ही माफियाओं की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले सट्टा बाजार में बाबा की हार पर खूब पैसा बहाया, फिर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए खूब पैसा बहाया, लेकिन यूपी की जनता ने साफ कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी, क्योंकि वही माफियाओं का सही इलाज कर सकते हैं। और यूपी में योगी की 2.0 सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना शुरू भी कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले कार्यकाल में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफियाओं को निपटाने के बाद योगी किसी भी माफिया को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। झांसी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मैरिज हॉल बना रखा था, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिल रही थी। फिर क्या था, योगी के अफसरों ने जाकर अवैध अतिक्रमण की पैमाइश की और पाया कि एक नाले की जमीन पर मैरिज हॉल बनाया गया था। फिर क्या था, चंद मिनटों में ही मैरिज हॉल का अवैध निर्माण मिट्टी में मिल गया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले गूंगे बनकर मुंह ताकते रह गए। ये समथर में एक मैरिज हॉल बना है, वो नाले की ज़मीन है। जब पैमाइश की थी तो पता चला था कि नाले की ज़मीन के ऊपर उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उनको बताया गया था कि उनके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वो नाले की ज़मीन के ऊपर है, परंतु उनके द्वारा फिर भी ये कार्य किया गया, तो उस कार्य को आज हटवाया गया है। अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ अवैध निर्माण पर प्रशासन का पंजा ही नजर आएगा। प्रयागराज में अवैध प्रॉपर्टी प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए का बुलडोजर चला। शुक्रवार की शाम झलवा इलाके में अवैध तरीके से प्लॉट काटे जा रहे थे। करीब 50 बीघा जमीन पर शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया और इस अवैध प्लॉटिंग में मायावती के नेता अतुल द्विवेदी, अजीत पांडे, आसिफ और आरिफ शामिल हैं। यूपी में बाबा का बुलडोजर फर्राटे भर रहा है। चुनाव में विपक्षी दलों को आधी से भी कम सीटों पर निपटाने के बाद योगी के निशाने पर यूपी में अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।